So yeah, hello everyone. This is Tarun from Excellence Guide. और आपका जीएसटी का लेक्चर खत्म हो चुका था. सारे के सारे जीएसटी के क्वेश्चंस मैंने अपलोड कर दिया था आपके जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है. और इसमें मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसमें को आपको कंप्लीट करके आना चाहिए था, राइट? बहुत लोगों ने कंप्लीट किया भी है और कुछ लोगों को डाउट हुआ, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. फिर हम लोग शेयर एंड डिविडेंड पढ़ेंगे. पहले ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ मैन्युफैक्चरर लिस्टेड द प्राइस ऑफ हिज गुड एट 1600 पर आर्टिकल, ठीक है? तो यहाँ पर चीजें शुरू कहाँ से हो रहा है, मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चर जो है वो एक गुड बेच रहा है, और ये गुड का दाम जो है उसने कितना रुपए सेट किया है, 1600 पर आर्टिकल. ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ 25% टू अ होलसेलर. अब मैन्युफैक्चर अपना काम किसके साथ करना चाह रहा है, होलसेलर के साथ. होलसेलर को उसने डिस्काउंट दिया 25% का. वो इन टर्न अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द लिस्टेड प्राइस टू अ रिटेलर. अब होलसेलर फिर अपना सामान बेच रहा है किसपे को, रिटेलर को. होलसेलर फिर जो है सामान बेच रहा है किसको, रिटेलर को. और मैन्युफैक्चरर से होलसेल जा रहा है, होलसेलर जा रहा है कितना परसेंट डिस्काउंट में, 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है? लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस समान है. और फिर होलसेलर दे रहा है 20% डिस्काउंट किसको, रिटेलर को. ये भी ऑन मार्क प्राइस ही दे रहा है, मतलब प्रॉफिट मिलने वाला है होलसेलर को, क्योंकि 25% का डिस्काउंट पाया उसने मैन्युफैक्चरर से. और वो कितना दे रहा है, 20% का डिस्काउंट, बट स्टिल ही इज गेटिंग दैट प्रॉफिट ऑफ 5%, राइट? तो ऑन द लिस्टेड प्राइस टू रिटेलर, द रिटेलर सेल वन आर्टिकल टू कंज्यूमर. और यहाँ खत्म नहीं हुआ. अब रिटेलर फिर ये चीज वो किसको दे रहा है, कंज्यूमर को, ठीक है? रिटेलर अपना चीज किसको दे रहा है, कंज्यूमर, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द लिस्टेड प्राइस. ये भी डिस्काउंट दे रहा है लेकिन 5% ऑन एमपी, 5% ऑन एमपी कंज्यूमर को मिल रहा है. इफ ऑल द सेल्स आर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट मतलब आपको पता ही है, चैप्टर के एंड में आ चुके हैं हम. इंट्रास्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट. और अगर विद इन सेम स्टेट है तो यहाँ पर दो टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं वो लोग. कौन कौन से दो टैक्स, SGST और CGST. तो अंटिल एंड अनलेस, जैसे यहाँ पर बोला गया है स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम लोग डिस्क्रिमिनेट करके करेंगे सब चीज, राइट? जब हमें नहीं पूछता है वैसे तो आप डायरेक्टली जीएसटी निकाल दीजिएगा. तो आप कंज्यूमर को उसने दे दिया. और सब जो स्टेजेस है, ये पूरे के पूरे स्टेजेस में जीएसटी कितना लगा हुआ है, 5%. तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2.5 2.5% होगा. SGST 2.5, CGST 2.5%. तो अभी देखिए, पहला सवाल पूछता है द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स इंक्लूड करके, विच द होलसेलर पे. होलसेलर जो है कितना रुपए पे करेगा जीएसटी ऐड करके. तो मैन्युफैक्चर अब चीजें दे दिया, 1600 रुपीज में देना चाह रहा था वो, लेकिन उसको जबरदस्ती 25% डिस्काउंट देना पड़ा, ठीक है, होलसेलर को खुश करने के लिए. तो 25% ऑन 1600 कितना होगा, 25/100 इंटू 1600, दो जीरो गए तो ये हो गए 400 रुपीज, ठीक है? अब ये 400 रुपीज जो है डिस्काउंट कर दिया जाएगा मार्केट प्राइस में, तो कितना हो गया, 1200. अब 1200 में लगेगा 5% जीएसटी, 1200 प्लस 5% ऑफ 1200, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 5/100 इंटू 1200, 5 × 12 = 60. तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 1260 रुपीज होगा ना.
तो यही चीज पूछा है, द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, टैक्स इंक्लूड करके कितना प्राइस होलसेलर को देना है, किसको देगा होलसेलर? हाँ, किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा, ठीक है। यहां पर होगा इसका आंसर कितना, रुपीस 1260। अब टू द प्राइस पर आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इज अ रिटेलर पे, अब रिटेलर किसको देगा? होलसेलर को। अब होलसेलर जो है 1600 पे कितना परसेंट डिस्काउंट मांगा है, ठीक है। यहां पर आप देखिए 1600 में कितना डिस्काउंट मिला है होलसेलर को, 20%, है ना। होलसेलर सॉरी रिटेलर को कितना डिस्काउंट देगा, 20% डिस्काउंट देगा। तो ये रिटेलर पूछेगा मुझे डिस्काउंट चाहिए बाबा दे दो, तो वो डिस्काउंट दिया है होलसेलर ने, 20% डिस्काउंट दिया है, 20% ऑन कितना 1600, तो 1600 का 20% कितना होगा, 1600 माइनस 20/100 इंटू 1600, तो ये 1600 माइनस 320 कितना आएगा आंसर, 1280। अब इसमें लगेगा जीएसटी कितना, 5%, 1280 प्लस 5% ऑन 1280, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 1280 प्लस 5/100 इंटू 1280 टू जा 64, ठीक है। तो 1280 प्लस 64 कितना आएगा आंसर, 1344 रुपीस। इतना रुपए देगा कौन, देगा वो 1344 रुपीस, रिटेलर देगा। रिटेलर किसको देगा, होलसेलर को। तो यहां पर ये जो है आंसर आ गया सेकंड का, रुपीस 1344, समझ में आया आपको? हाँ, रुपीस 1344, क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है तीसरा वाला देखिए, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, ठीक है। तो ये हमने निकाला हुआ था, ये कितना रुपए निकाला हुआ था, 1260, राइट। और ये कितना निकाला हुआ था, 1344। द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, अब कंज्यूमर कितना दे रहा है वो बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर से होलसेलर क्या था, होलसेलर से रिटेलर, अब रिटेलर से कंज्यूमर, कंज्यूमर को कितना परसेंट का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है, 5% का डिस्काउंट, 5% किस पे, लीस्ट प्राइस पे। और लीस्ट प्राइस हम लोग का कितना है, 1600 ही है, ठीक है। लीस्ट प्राइस कितना है, 1600, है ना। तो कंज्यूमर के लिए क्या होगा, 1600 माइनस 5% ऑन 1600, डिस्काउंट चाहिए उसको, तो 1600 माइनस 5/100 इंटू 1600, तो 1600 माइनस कितना, 5 इंटू 60 80, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1520। और इसमें फिर लगेगा क्या, जीएसटी, कितना जीएसटी लगेगा, 5% ऑफ 1520, क्योंकि जीएसटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना, 5%। तो 1520 प्लस 5/100 इंटू 1520, ठीक है। तो 1520 प्लस 76, 1596, ये जाएगा कंज्यूमर की तरफ से, किसको जाएगा, जो थर्ड में है, कौन है, रिटेलर, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा, थर्ड बिट का क्या आएगा आंसर, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पे फॉर द टैक्स, रुपीज 1596। अब चौथा देखिए, द टैक्स अंडर जीएसटी
पेड बाय दी होलसेलर टू दी स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर देगा, कितना देगा होलसेलर? द टैक्स पेड बाय दी होलसेलर टू अ स्टेट गवर्नमेंट। हमारा जो है कारोबार स्टार्ट हुआ था मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से गया था क्या होलसेलर, होलसेलर से गया रिटेलर, और रिटेलर से गया था फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द होलसेलर, ये कितना टैक्स दिया था होलसेलर, कितना टैक्स दिया था स्टेट गवर्नमेंट को। तो हमने पहले उसका निकाला था कितना, वो 60 रुपए दे रहा है टैक्स, हमने कितना निकाला था 60 रुपीज दे रहा है। अब ये 60 रुपीज में आधा वो स्टेट गवर्नमेंट को देगा और आधा वो किसको देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, है ना। तो होलसेलर कितना रुपए दे रहा है, 30 रुपए देगा बस, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को। यहाँ पर इसका आंसर आएगा कितना, यहाँ पर इसका आंसर आएगा 30%। टू रुपीस होलसेलर, अच्छा हाँ, ये मैन्युफैक्चरर 30 रुपया देगा, राइट। अब सेकंड स्टेज में देखिए हम लोग को टैक्स होलसेलर कितना देगा, रिटेल से जो भी लेगा वो लेगा, है कि नहीं। तो रिटेल से वो कितना टैक्स ले रहा है, 64, हमने यहाँ पर किया, देखिए देखिए ये है 64 रुपीज वो ले रहा है। अब 64 में से 60 रुपीज तो दे चुका है मैन्युफैक्चरर, राइट, पहला में 60 रुपीज है। मैं अभी देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पहले से होलसेलर से मैन्युफैक्चरर कितना टैक्स लिया, 60 रुपीज टैक्स लिया। अब ये 60 में से आप सोच लीजिए 30 गया सेंट्रल को और 30 गया स्टेट को, राइट। अभी बात आगे बढ़ा, होलसेलर दिया रिटेलर को, अब रिटेलर से होलसेलर कितना का टैक्स ले रहा है, हमने देखा 64, 64 में से 60 तो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी दे दिया है। मतलब अब होलसेलर को और कितना का हिसाब दिखाना है गवर्नमेंट को, सिर्फ 4 रुपए का, राइट, 4 रुपए का हिसाब दिखाना है। अब ये 4 रुपए में दोनों को दिया जाएगा तो कितना जल्दी जो है गवर्नमेंट मान गई, सोचो ठीक है, कितने कम रुपए में है, 2 रुपए, ठीक है, दो, ये 4 रुपए में, ठीक है, 2 रुपए गया सीजीएसटी को और 2 रुपए गया एसजीएसटी। तो यहां पर बोल रहा है होलसेलर कितना रुपए दे रहा है, तो होलसेलर कितना रुपए दे रहा है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को 2 रुपए दे रहा है, क्योंकि 30 रुपए उसका भाग का तो मैन्युफैक्चरर ने दे दिया है, ठीक है, तो वो सिर्फ 2 ही रुपए देगा स्टेट गवर्नमेंट को, कौन, होलसेलर। अब फिफ्थ क्वेश्चन है द टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द आर्टिकल, ठीक है। अब देखिए हम लोग का हिसाब 64 तक था, है ना, 64 तक था। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमने रिटेलर का निकाला है, रिटेलर को टैक्स किससे मिलेगा, कंज्यूमर से मिलेगा, और कंज्यूमर कितना टैक्स दे रहा है, 76, 76 में 64 का हिसाब तो हमने कर लिया है, तो कितना और टैक्स बचा, 12 रुपए, ठीक है, कितना और टैक्स बचा, 12, 12 में दो भाग करेगा वो, 6 रुपए जाएगा सीजीएसटी और 6 रुपए जाएगा एसजीएसटी। ये जो 6-6 रुपया है ये कौन देगा, रिटेलर देगा, किसको, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर वही पूछा है द टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द आर्टिकल, दोनों गवर्नमेंट का बात नहीं किया है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना रुपए जाएगा, तो कितना रुपए जाएगा, सिर्फ 6 रुपए देगा, और यहाँ का तो हमने निकाला ही हुआ था कितना, 2 रुपए। द टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब लास्ट, आप जब भी स्टेट गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं ना, लास्ट में देखिएगा, लास्ट में कितना पैसा कमा रहा है, पूरा आर्टिकल बेच के पूरा चेन, आप मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक आप कितना टैक्स जोड़े हो, 76 रुपया जोड़े हो, तो 76 में आधा जाएगा स्टेट को और आधा जाएगा सेंट्रल को, तो 76 का आधा कितना होगा, 38, तो 38 रुपीज जो है इसका आंसर होगा जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, है ना। तो स्टेप वाइज अगर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
हमेशा मैं आपको वही बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप एक चार्ट बना लीजिए, जैसे हम लोग बना रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर, ये बहुत काम आने वाला है। ये क्या है, बस एक फ्लो चार्ट टाइप का है जो जिससे आप पूरे क्वेश्चन को समझ जा रहे हैं स्टार्टिंग में ही। फिर आपको पता है क्या क्या दिया है, उस हिसाब से करते जाओ। ये बनाने से थोड़ा आपका चीज आसान हो जाएगा, है ना। और आपको वर्कशीट तो मैंने दे ही दिया है बैंकिंग का, हाँ, और वर्कशीट सभी लोग किए भी हैं अच्छे से, सब अच्छा से हुआ है, ठीक है। और जीएसटी का वर्कशीट भी मैं आपको कल दे दूंगा, जिसका फिर 2 दिन आपको दिया जाएगा समय उसको कंप्लीट करने का। तब तक हम शेयर एंड डिविडेंड कर लेंगे, ओके। और शेयर एंड डिविडेंड खत्म होने के बाद फिर आपका एक टेस्ट होगा, ठीक है, वीकली टेस्ट, जिसमें आपको जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड तीनों चैप्टर से दिया जाएगा क्वेश्चन। टोटल मार्क्स आपके 60 मार्क होंगे, 60 मार्क्स, 60 मार्क्स का टेस्ट होगा, ओके। विल नॉट वेट फॉर संडे, ठीक है, हम संडे के लिए वेट नहीं करेंगे, कभी भी हम टेस्ट ले सकते हैं, क्लियर। तो ये समझ में आ गया आपको जीएसटी, हाँ। तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज शेयर एंड डिविडेंड। तो इसको मैं क्लोज करता हूँ। हाँ, तो आपका नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक चैप्टर 3, इसका नाम है क्या, शेयर एंड डिविडेंड। तो आप लोग को, सबको तो पता ही होगा शेयर एंड डिविडेंड होता क्या है। हाँ, आजकल तो जमाना ही शेयर मार्केटिंग का है, सब लोग सीखना चाहते हैं कि हम भी शेयर करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ठीक है, हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी पैसा उड़ाएंगे, सभी का वही थिंकिंग है। लेकिन वहां पर जाते हैं और फिर आपको क्या लगता है, मकड़े का जाल जैसा लगता है, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, फंसते जाते हो, लास्ट में पैसा कमाने जाते हो, जितना कमाया हुआ है, ठीक है, वो भी बोर्ड के आ जाते हो, वैसा ही होता है ना आपका। हाँ, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करने के बाद ही आप शेयर मार्केटिंग पे जाएं, तभी आपको कुछ जो है हासिल होने वाला है, नहीं तो ये जो है एक मौत का कुआं है, ठीक है। शेयर एंड डिविडेंड, वहां पर आपने जितना कमाया है जिंदगी में वो आप खो दोगे, और अगर अच्छे से जान गए आप सब कुछ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपका अच्छा है, तो डबल द अमाउंट आप कमा सकते हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। फिर बिजनेस वगैरह सब छोड़ के आप शेयर मार्केटिंग करो, दिन में आराम से आप 30-40 हज़ार रुपये जोड़ सकते हो दिन का, मैं बोलूँ, और कोई बिजनेस आपको 30 से 40 हज़ार नहीं देगा दिन का, कभी नहीं देगा, कोई भी बिजनेस नहीं देगा 30 to 40 thousand पर डे। तो शेयर मार्केटिंग का इतना ताकत है, ओके, लेकिन अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये शेयर एंड डिविडेंड के बारे में अगर हम लोग जानेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग जो है पहला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। या तो व्हेन वी वांट टू एस्टैब्लिश अ बिग इंडिविजुअल यूनिट, देन अ लार्ज सम ऑफ अमाउंट इज रिक्वायर्ड। इसके कहने का मतलब, आप एक बहुत बड़ा कंपनी बनाना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन बड़ा कंपनी बनाने के लिए आपके पास तो पैसे नहीं होंगे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसे चैप्टर में दिक्कत होगा, ओके। क्लास 10 में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है वो, तो ध्यान से सुनिए स्टार्टिंग में ही, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। तो अगर हम एक बड़ा कंपनी बनाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें बहुत पैसा चाहिए होगा, और बहुत पैसा आप कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो होगा नहीं, हाँ, तो आप फिर किसी से उधार लेंगे। तो वही सिस्टम है, ये भी वही उधार लेने वाला सिस्टम ही है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आप उधार ले रहे हो, ठीक है, राइट। कैसे, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट सच अ बिग अमाउंट, एक इंसान के बस की बात नहीं है। अब आप देखिए शेयर मार्केटिंग में, आप देखते हैं रिलायंस, ओके, रिलायंस के पास पैसा नहीं है, रिलायंस बड़ा आदमी क्यों है, आपके वजह से, आप उसके कंपनी में शेयर जो है खरीद रहे हो, राइट, उसको पैसे मिलते जा रहे हैं, और वो आप ही का पैसा लगा के जो है वो क्या कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है। अब आप मुकेश अंबानी के पास जाएंगे और आप बोलेंगे पैसा दीजिए,
तो उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास सारे पैसे किस पे लगे हुए हैं? शेयर पे लगे हुए हैं। ये आज सबसे रिचेस्ट है, वो कल सबसे वीकेस्ट भी हो सकता है, ठीक है? शेयर मार्केटिंग वैसा गेम है वो। आज उसके कंपनी हाईएस्ट पीक में है, सब चीज जिसमें वो हाथ रख रहा है वो सोना हो जा रहा है, ठीक है? कल को वो नहीं होगा तो क्या करोगे? अदानी, अभी नाम सुना है आपने, तो अदानी भी किसके वजह से है? वही शेयर मार्केटिंग के वजह से है। तो उसका शेयर जो है दिन पे दिन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। हाँ, तो वो शेयर जब बढ़ते जाएगा तो वो शेयर, एक शेयर का कीमत भी बढ़ाते जाएगा। पहले उसने सोच लो 1 रुपए का शेयर बेचा, आपने खरीद लिया। सोचा कि आपने क्या सोचा कि हाँ मैं 1 रुपए में शेयर खरीद लेता हूँ, ठीक है? 1 रुपए में शेयर खरीद लूंगा और जब ये शेयर का कीमत 10 हो जाएगा मैं बेच दूंगा। सही सोचा आपने, ठीक है? आप क्या करोगे 1 रुपए का? मैं आपको बताता हूं क्या होता है। आपने सपोज एक स्टॉक खरीदा, ठीक है? एक स्टॉक खरीदा जिसका कीमत था 10 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक खरीदा, ओके? कोई कंपनी है, मान लीजिए एक्स कंपनी, एक्स कंपनी का स्टॉक आपने खरीदा, शेयर खरीदा, और एक शेयर का कीमत है 10 रुपए, और आपने ऐसे 1,000 शेयर खरीदे, ठीक है? 1,000 शेयर खरीदे, तो 1,000 शेयर खरीदने से आपका कितना रुपए हो गया? 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, किया ना? 10,000 रुपए आपने दिया। ये 10,000 रुपए कंपनी लेके मौज करेगी, है कि नहीं? वो आप ही का रुपया है, 10,000 वो कंपनी को आपने दे दिया, कंपनी अब आपका पैसा लगा दिया, ठीक है? अब कल को क्या होगा? 1 महीना बाद चले जाते हैं हम, 1 महीना बाद ये जो 10 रुपए हैं आपके पैसे लगाए, ऐसे बहुत लोग लगाए होंगे, कंपनी को कितना मिल गया होगा? 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए मिल गए होंगे। मैं तो कम ही बता रहा हूँ, हजारों में होता है, 1,000 करोड़ मिल जाएंगे, है ना? तो वो फिर आपका पैसा लगा देता है किस पे? कंपनी पे, अपने कंपनी में लगा देता है। और 1 महीने के अंदर सपोज वो बहुत सारे लोगों से 1 करोड़ रुपए जो है कंपनी को मिला है, ये 1 करोड़ रुपए उसने लगा दिया। 1 महीना बाद उसके कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्शन करने के बाद 1 करोड़ से कितना हो गया? 2 करोड़ कमा लिया, ठीक है? 1 करोड़ से ये कंपनी जो है 2 करोड़ रुपए कमा लिया, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना 1 करोड़ का। हाँ, तो ये 1 करोड़ में अगर वो आप लोग उसको इनिशियल स्टेज में मदद किए हो, हाँ, अगर वो 1 करोड़ का प्रॉफिट जो उसको हो रहा है वो अगर आप लोगों पे 50 लाख बांट दे तो क्या ही बुरा है उसका? हाँ, आप भी खुश। हाँ, मैंने 10 रुपए में शेयर खरीदा, मुझे 15 रुपए मिले 1 महीने बाद, ठीक है? और वैसे वो भी खुश क्योंकि उस कंपनी को कितने के प्रॉफिट हो चुके हैं? 50 लाख के प्रॉफिट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर 10 का 15 होने में इतना खुशी हो रहा है, सोचिए यहाँ पर उसको कितने के हो रहे हैं? आप तो अकेले आदमी नहीं हो, बहुत लोग ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से गेम होता है। अब देखिए, ये 1,000 शेयर आपने खरीद लिया, 10 रुपए में खरीदा, 1 महीना बाद ये शेयर का कीमत हो गया कितना? 12 रुपए। ये शेयर का कीमत हो गया 12 रुपए। तो आपको जो है प्रॉफिट किस पे दिया जाएगा? 12 रुपए में नहीं दिया जाएगा आपको प्रॉफिट, किस पे दिया जाएगा? 10 रुपए पे ही दिया जाएगा, क्योंकि आपने नॉमिनल वैल्यू में खरीदा है। मैं बताऊंगा नॉमिनल वैल्यू क्या है, ठीक है? ये सब मैं बताऊंगा आपको। आपने कितने में खरीदा है? 10 रुपए में। तो आपको प्रॉफिट भी जो है कितने में दिया जाएगा? 10 रुपए में। कंपनी बेशक बढ़ रहा है, कंपनी का कीमत बढ़ रहा है, 10 से 12 हो रहे हैं, 10 से 15 हो रहे हैं, ठीक है? वो कंपनी वो कैलकुलेशन करेगा, आपने उसको 10 रुपया दिया तो वो 10 रुपए पे प्रॉफिट देगा, ठीक है? 10 रुपए पे वो कितना प्रॉफिट देगा कंपनी, वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर? हाँ, तो हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, क्या है वो पढ़ेंगे। तो वही है, दे डिवाइड द रिक्वायर्ड कैपिटल इन स्मॉल यूनिट रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100, ठीक है? वो सभी शेयर का कीमत जो है 1 रुपए से स्टार्ट होके
100 रुपये, 100 से भी ज्यादा होते हैं आजकल तो, ठीक है। बड़े बड़े कंपनी, MRF की कंपनी, ठीक है, तो हजार रुपए लेते हैं वो, ठीक है, एक एक शेयर का 1 लाख, ठीक है। 1,000, 1 लाख रुपए। मैं कल ही देख रहा था। ओके, तो 1 लाख रुपए जो है MRF का शेयर। और छोटे छोटे कंपनी जो होते हैं वो 1 रुपए 2 रुपए के भी शेयर बेचते हैं, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आप, हाँ मैं 1-2 के 50 शेयर ले लूंगा, 100 शेयर ले लूंगा, 200 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया। आप MRF का एक शेयर खरीद लीजिए 1 लाख में, वो आपको 2,000 रुपये दे देगा, जबकि वो आप 2,000 शेयर खरीद के भी आपको 2,000 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना पैसा आपको मिलने वाला है शेयर में। आप 200 रुपये लेके कारोबार करोगे तो कैसे होगा, है? तो फिर आपको 5 रुपये ही मिलेगा और इसमें ही आपको खुश रहना है, राइट। आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो हाँ 10 लाख में आपको दिखेगा कि हाँ मुझे 5,000 रुपये मिला, तो ये आप देखने जैसा अमाउंट है। और आपने इन्वेस्ट किया है 200 और आप सपना देख रहे हो 1,000 का, तो नहीं मिलने वाला ना, कोई बिजनेस में नहीं मिलेगा। ओके, तो शेयर मार्केटिंग में भी नहीं मिलने वाला। तो ये जो ईच इक्वल अमाउंट, मतलब ये जो बड़ा सा है, 1 करोड़ रुपया है सोच लो, ठीक है, 1 करोड़ को छोटे 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 करके उसने 100 100 का 100 100 का शेयर बनाया है, ठीक है। तो ये जो है ईच इक्वल पार्ट ऑफ इक्वल अमाउंट इज कॉल्ड क्या है, शेयर। इसी को बोला जाता है क्या, शेयर। और ये शेयर जो होल्ड कर रहा है, जैसे हम लोग आजकल शेयर मार्केटिंग कर रहे हैं, आप ये शेयर को होल्ड करके रखे हो तो आपको क्या कहा जाएगा, शेयर होल्डर, ठीक है। अ पर्सन हु परचेजेस वन और मोर शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। आप एक एक से ज्यादा 1,000 लाख शेयर खरीद सकते हो, ये आपके ऊपर है। कंपनी के पास बहुत शेयर है देने के लिए, कंपनी क्यों नहीं देगा शेयर? जितना आप पैसा दोगे उतना कंपनी को अच्छी बात है। तो कंपनी कभी भी लिमिट नहीं रखेगा शेयर का, है? कंपनी तो चाहेगा ही ना, लेकिन ना कभी कभी पूरे के पूरे शेयर बिक जाते हैं, ठीक है, तब आपको अपना थोड़ा लिमिट करना पड़ता है, राइट। हाँ, अब एक चीज और बोला है, द कंपनी कलेक्ट द मनी बाय इशूइंग शेयर टू द पब्लिक, ठीक है। कंपनी इसी प्रकार जो है पैसा क्या करता है, इकट्ठा करता है आप लोगों से, पब्लिक को ही जो है अपना शेयर देता है, पब्लिक जो है शेयर खरीदते हैं, ठीक है, और इसी बेसिस में कंपनी को पैसा मिलता है। और कुछ कंपनी काम करते हैं, कुछ कंपनी पैसे लेके भाग जाते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ठीक है, बेशक हाँ आपको अगर वो डूब रहे हैं तो आपको डुबा सकते हैं, ठीक है। आप अगर जैसे 10,000 रुपये दे दिए, कंपनी डूब गया तो आपको 1,000 जरूर मिलेगा, 9,000 आपके जाएंगे बस। आप सपना देखिए दे 10 का 18 करने का, ठीक है, वो 10 का 1,000 हो जाएगा, ओके, तो बस आपके 9,000 जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। आपका इज्जत, आपका सब कुछ बरकरार है, ठीक है, लेकिन आपके पैसे चले जाएंगे, ओके। फिर आप क्या करना, जो 1,000 रुपये बचा है ना, उसको भी डाल देना, ठीक है, ठीक है, उसको भी डाल देना, ये सोच के कि मेरे को 2,000 मिलेंगे, ठीक है, फिर उससे भी 900 चला जाएगा, 100 रुपये बचेंगे, ठीक है, फिर ये 100 को भी डाल दीजिएगा, ठीक है, फिर आपको 1 रुपये मिलेंगे, इससे खुश रहिएगा, ये निकाल लीजिएगा, फिर मत डालिएगा, ठीक है। आपका किस्मत चमकने वाला था, वो चमकेगा नहीं, ठीक है, वो डूब चुका है आपका किस्मत, है ना। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जानबूझ के जो है एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, वो हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। द वैल्यू फिक्स्ड फॉर ईच शेयर, ठीक है, जो शेयर के लिए हमें कीमत कंपनी डिसाइड करेगा कि हाँ मैं ये शेयर रखूंगा, मतलब ये कीमत रखूंगा तो मेरे शेयर जाएंगे पब्लिक तक, अच्छा पब्लिक का अच्छा रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू फिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू, ठीक है, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। लोग बोलते हैं ना, आप लोग जाते हो तो आपको कोई नहीं पहचानता, जब आप तक जब तक आप बोलोगे नहीं कि मैं इसका बेटा हूं या इसका बेटी हूं, ठीक है। इसका क्या कहने का मतलब है, आपका कोई वैल्यू नहीं, आपका कोई फेस वैल्यू नहीं। अगर आप अपने मम्मी या पापा का या चाचा भतीजा जो भी नाम रख देते हो, ठीक है, दे देते हो, तो फिर वो आपको पहचानने लगते हैं। इसका यही मतलब है कि आप जिनका नाम लिए हो वो काफी फेमस है
या फिर उनका इज्जत बहुत है, राइट। तो वहां से आपको पता, मतलब वहां से वो जान जाते हैं कि हाँ ये इसका बेटा है या इसका बेटी है करके, राइट। तो ऐसे ये भी है फेस वैल्यू, ठीक है। तो आप जो भी शेयर खरीद रहे हो, ठीक है, एक शेयर का कीमत है, और ये कीमत को हम लोग बोलते हैं क्या, फेस वैल्यू। अब ये फेस वैल्यू के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे दी अदर नेम्स क्या क्या है। पहले तो बहुत जो है फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ठीक है, क्या, नॉमिनल वैल्यू। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस क्लियर, नॉमिनल वैल्यू, और क्या, प्रिंटेड वैल्यू, ठीक है, प्रिंटेड वैल्यू, ओके। फिर क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यू, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम है, नॉमिनल वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू, ओके, ये सारे आपके नाम हैं। अगर आपके क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू है, प्रिंटेड वैल्यू है या फिर रजिस्टर्ड वैल्यू है, तो आप ये तीनों को क्या कर सकते हो, फेस वैल्यू समझ के ही कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नाउ द शेयर हेड होल्डर कैन नॉट विड्रू द मनी फ्रॉम द कंपनी। ये तो अजीब चीज है, आपने पैसा लगा दिया ये सोच के कि मुझे प्रॉफिट मिलने वाले हैं, और फिर जब आप देख रहे हो ग्राफ एनालिटिक्स देख रहे हो कि कंपनी डूब रहा है, तो बाबा नहीं रे, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, मेरा जितना लगाया हूँ उतना पैसा मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, सेफ साइड में रहूंगा। तो कंपनी निकालने देगा नहीं, कंपनी तब क्या बोलेगा, मैं डूब रहा हूँ तुझे भी लेके डूबूंगा, है ना। तब आप कंपनी से अपना जो है पैसा नहीं निकाल सकते। बेशक हाँ एक चीज कर सकते हो, जो आपने शेयर खरीदा है वो किसी और शेयर होल्डर को बेच सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने 10 रुपए में खरीदा है, ठीक है, आपने जो है 10 रुपए में एक शेयर खरीदा है, ठीक है। अब ये 10 रुपए से जो शेयर खरीदा है ये 5 रुपए हो, तो आपने तो सपने 15 रुपए का देखा था, लेकिन कुछ महीने बाद वो 10 से क्या हो गया, 5 हो गया। अब आपको ये टेंशन है कि वो कल को चल के 0 ना हो जाए या माइनस में ना चले जाए, हैं, तो आप क्या करना चाहोगे, हाँ एटलीस्ट 10,000, चलो लॉस हुआ 5,000, लॉस हुआ 5,000 तो मिलेगा, हैं, ये सोच के आप ये जो 5 रुपए का शेयर है वो किसी और को दे दोगे, ठीक है। ये सोच लीजिए, शेयर स्टार्ट हुआ था 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपये में कितना हुआ, 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 1 रुपये से 10 रुपया हुआ, और फिर 10 रुपये से कितना हो गया, फिर कम गया 5, फिर आप सोच रहे हो कि वो कभी 5 से फिर कितना हो जाए, 1 ना हो जाए, ठीक है। अगर 1 हो गया तो फिर आपका कोई प्रॉफिट नहीं है या कोई लॉस नहीं है, आप जितना में खरीदे थे उतना में ही आपने बेच दोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये डर के कारण कि कभी 5 रुपए जो है 1 रुपए ना हो जाए, आप क्या करोगे, बेच दोगे। एटलीस्ट आपको 4 रुपए का तो प्रॉफिट मिलेगा एक शेयर में, हाँ, तो 10 शेयर आपने खरीदा है तो आपको एटलीस्ट 40 रुपए तो मिलेंगे, हाँ। वही सोच से वो क्या करते हैं, किसी और को बेच देते हैं। ऐसे तो शेयर खरीदने वाले लोग तो बहुत हैं, हाँ, अब 5 रुपए में कोई और बंदा जो है आपसे शेयर खरीद लेगा, वो रख देगा, वो देखेगा, उस पे पेशेंट है, आप में जो है पेशेंस नाम का चीज नहीं है, हाँ, उस पे पेशेंस है, वो 1 साल भी रखेगा, चलो 1 से क्या 0 हो जाए, हाँ, तब भी वो रखा है, नहीं बेच रहा है, ठीक है, बाद में बेचेगा वो, समझ में आ रहा है, तो वही चीज है, तो यही है, शेयर होल्डर कैनॉट विड्रू द मनी, मनी नहीं निकाल सकता वो, एक बार आपने मनी डाल दिया है तो आप मनी नहीं निकाल सकते। आप बेशक अपना शेयर बेच दीजिए, आपने जो खरीदा है, ठीक है, और फिर जो आपको थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है वो आप विड्रॉ कर सकते, ठीक है, क्लियर। आप पैसे नहीं निकाल सकते। अब ये सोच रहे हो कि आपने 100 शेयर खरीद लिया है और 100 शेयर भाड़ में जाए, मेरे को 10,000 रुपया दे मेरा, तो वो आप नहीं बोल सकते, ठीक है, 10,000 रुपये आप नहीं मांग सकते। हाँ, तो आपने जो 100 शेयर खरीदा है उसको बेच दीजिए, ठीक है, और फिर जो पैसा मिल रहा है वो आप रख लीजिए, राइट। वही चीज वो यहाँ पर बोल रहा है, डैश ऑफ अ शेयर डज नॉट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है,
टाइम के साथ क्या चीज कभी नहीं बदलने वाला, फेस है, ठीक है, कभी चीज जो है नहीं बदलने वाला वो कौन है, फेस वैल्यू जो कंपनी ने सेट किया है। अब कंपनी जो सेट किया है वो कभी नहीं बदलेगा टाइम के साथ, फेस वैल्यू मतलब वो तो उसका पहचान है ना बाबा। हाँ, 5 रुपए 6 रुपए का जो शेयर है वो उसका पहचान है, वो इससे कम मतलब वो टाइम के हिसाब से नहीं होता है। फेस वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगा। क्या चेंज होगा? मार्केट वैल्यू चेंज क्या होगा? मार्केट वैल्यू कंपनी का जो है वो 5 रुपए ही है। सोच ले, कंपनी जो फिक्स्ड किया है ना वो रुपया वैसा ही रहेगा, 5 रुपए ही रहेगा। चेंज क्या होगा? मार्केट वैल्यू, जिसमें आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वो टाइम के साथ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। इट मे चेंज विद टाइम, व्हाट डज इट हियर मीन्स, यहाँ पर द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड क्या, मार्केट वैल्यू, इसको बोलते हैं क्या, मार्केट वैल्यू, द प्राइस ऑफ अ शेयर इन द मार्केट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, कौन से पर्टिकुलर टाइम में वो शेयर का जो है नाम मतलब वो प्राइस को क्या बोला जाएगा, मार्केट वैल्यू, या फिर एक और भी नाम है कैश वैल्यू, ठीक है, क्या बोला जाता है, कैश वैल्यू। इट में चेंज विद टाइम, व्हाट डज इट हियर मीन, यहां पर इट का मतलब क्या है, इट में चेंज विद टाइम क्या मतलब है इट का, मार्केट वैल्यू, ठीक है, मार्केट वैल्यू जो है टाइम के साथ चेंज हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इट का मतलब यहाँ पर मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को जो है टाइम कंट्रोल कर सकता है लेकिन फेस वैल्यू को नहीं कर सकता। अब क्या होता है वो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो हम सब पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ये समझ में आया आपको। हाँ, नेक्स्ट, डेस कैन बी लेस मोर और सेम एज पर दी नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू से क्या चीज है जो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है या फिर उसके जैसा हो सकता है, मार्केट वैल्यू, ठीक है, उसका क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है। मार्केट वैल्यू ही एक ऐसा चीज है जो नॉमिनल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा और वो कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है और कभी इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल हुआ तो ठन ठन गोपाल, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला ना, कुछ आप खोने वाले हो। अगर लेस हुआ तो सोच लो भागने का समय आ गया है, तब आपको क्या है, रुपए नष्ट होगा आपका, ठीक है, और अगर ज्यादा हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है। केस वन में वही चीज बोला है, इफ दी एमवी ऑफ शेयर इज सेम, एमवी मतलब मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज सेम तो आप क्या बोलोगे, एफ बी इज इक्वल टू एमवी, फेस वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। और यहां पर एक नाम है, क्या नाम है, एट पार, क्या बोलते हैं, एट पार, जब क्वेश्चन में एट पार आएगा, ठीक है, एट पार वर्ड आएगा तो आप समझ जाइएगा वहां पर फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, जब वर्ड क्या आएगा, एट पार, ठीक है, याद रखना हमेशा। इफ द एमवी ऑफ शेयर इज मोर, ठीक है, मतलब अगर एमवी हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब आपने जिस रेट में कंपनी ने अपना बेंचमार्क सेट किया था उससे अब मार्केट वैल्यू उसका क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब कंपनी मुनाफे पे चल रही है, ठीक है, तो फिर आपका एक वर्ड यूज होगा क्या, एवो पार, ठीक है, याद रखना, जब क्वेश्चन में क्या आएगा, एवो पार आएगा, तब आप सोचिएगा कि आपका मार्केट वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, फेस वैल्यू से, ठीक है, तो ये वर्ड एवो पार याद रखिएगा, ठीक है। और फिर यहां पर एक और नाम भी है, एट अ प्रीमियम ऑफ, जब ये भी वर्ड यूज होता है ना तब आप सोच लीजिएगा कि आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मतलब आपका कंपनी प्रीमियम होते जा रहा है, पैसा लगाने वाले शेयर होल्डर की चांदी होने वाली है, है?
प्रीमियम वर्ड इसी के लिए यूज होता है ना। तो ये दो चीज, एवोव पार या फिर एट अ प्रीमियम। और अगर आपका एमवी ऑफ शेयर लेस हो गया, मतलब फेस वैल्यू ज्यादा हो गया मार्केट वैल्यू से, तो गई कंपनी डूब गई है कुछ समय के लिए, तब आपको क्या वर्ड यूज किया जाएगा? बिलो पार, या फिर आपको एक और वर्ड यूज हुआ होगा, एट अ डिस्काउंट। ठीक है, एट अ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये जो है तीन केस है, और ये आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, जब एमवी ऑफ शेयर बहुत जरूरी है ये चैप्टर में। ठीक है, अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर? आपको समझना है क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोला होगा एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, 100 रुपीज शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5, का कहने का मतलब क्या है? 100 रुपए का शेयर वो 5 रुपए में प्रीमियम में जा रहा है, मतलब 105 रुपए में जा रहा है, प्लस करोगे। ठीक है, या फिर अगर आपको बोला 100 रुपीज शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% बोला है, मतलब 5% ऑफ कितना? 100, 5% ऑफ 100 विल बी ऑल्सो 5, है ना? तो फिर 100 - 5 दैट इज कितना? 95। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो मैं फिर से आपको बताऊंगा अच्छे से, समझ में आया ये क्या होता है। हाँ, तो ये चीज आपको जानना है। क्लियर? अब हम लोग फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ये चैप्टर्स में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जो है देखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या फॉर्मूलाज हम लोग को करना है। ओके, तो आपका लेक्चर 2 जो है फॉर्मूला, और फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर?